22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूपी के भदोही से एक बीजेपी नेता हैं, उनके एक कथित बयान पर काफी बवाल हुआ है। आप जानते हैं चुनावी मौसम में सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि दूसरी तमाम पार्टियों के भी नेता हैं जिनके बयानों पर खूब विवाद हुआ है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे बीजेपी के एफआईआर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हो जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, या फिर अब इस फहरिस्त में नाम शामिल हो गया है यूपी बीजेपी के नेता हैं भदोही से रमेश बिंद, उनका नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके बयान पर खूब विवाद है, खूब बवाल है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। और कह सकते हैं कि उनके बयान ने बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों की राह आसान कर दी है। और बीजेपी नेता रमेश बिंद ने जो बयान दिया है और उससे जो सियासत गरमाई है उसकी तपिश अब बिहार में भी महसूस की जा रही है। सीवान में ब्राह्मण महासंघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हमारे हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बकायदा ये कहा है कि कोई भी एनडीए उम्मीदवार को वोट नहीं देगा, ब्राह्मण समुदाय का कोई भी व्यक्ति एनडीए उम्मीदवार को वोट नहीं देगा, उनकी मुखालफत करेगा और चाहे दूसरी तरफ जो भी उम्मीदवार खड़ा हो वो उन्हें वोट देगा। और आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक सिवान में ब्राह्मण महासभा ने राजद उम्मीदवार हीना साहब को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि ब्राह्मण महासभा हीना साहब को समर्थन देगा, एनडीए उम्मीदवार की खिलाफत करेगा और उनके खिलाफ वोट करेगा। तो यूपी में रमेश बिंद ने बयान दिया, उन्होंने ब्राह्मणों को पीटने की बात कही, कथित बयान लगा है, कथित रूप से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने ऐसा कहा है और पीटने की बात कही है और इसके बाद ब्राह्मण नाराज हैं। बिहार में ब्राह्मण महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान करते हैं, पूरा ब्राह्मण समुदाय जो है आहत है, दुखी है इस बयान से और तमाम एनडीए नेताओं एनडीए उम्मीदवारों की राह मुश्किल करे पैच तमाम एनडीए उम्मीदवारों की राह मुश्किल करेगा, उनको वोट नहीं देगा, उनकी खिलाफत करेगा। और ब्राह्मण महासंघ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग की है। तो बड़ी खबर सिवान से आ रही है, सिवान में ब्राह्मण महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यूपी में बीजेपी के नेता रमेश बिंद ने जो बयान दिया है उस पर आपत्तिजनक जताई है ब्राह्मण महासभा ने और ऐलान कर दिया है कि सिवान में आरजेडी उम्मीदवार हीना साहब को हम समर्थन देंगे क्योंकि यूपी के बीजेपी नेता ने ब्राह्मणों को आहत किया है, इसलिए ब्राह्मण समुदाय जो है वो बीजेपी का विरोध करेगा, एनडीए उम्मीदवारों की खिलाफत करेगा, उनकी मुखालफत करेगा। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।